हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो श्रीमद् भगवद्गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 34 6.34। चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथे बलवत्तृणम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथे बलवत्तृणम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथे बलवत्तृणम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। अनुवाद पात्र श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। हे श्री कृष्ण, चूंकि मन चंचल अस्थिर उच्छृंखल हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मन इतना बलवान तथा दुराग्रही है कि कभी कभी यह बुद्धि का उल्लंघन कर देता है। यद्यपि उसे बुद्धि के अधीन माना जाता है, इस व्यवहार जगत में जहां मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों से संघर्ष करना होता है, उसके लिए मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। कृत्रिम रूप में मनुष्य अपने मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है, किंतु अंतिम रूप में कोई भी संसारी पुरुष ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा कर पाना वेगवान वायु को वश में करने से भी कठिन है। वैदिक साहित्य कठोपनिषद 1.3.3 and 4 में कहा गया है, आत्मानं रतिनं विद्धि शरीरं रतमेव च बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रामेव च इन्द्रियाणि हयान् इंद्रियाणि हयान् अहुर् विषयान् स्थितेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तेत्यार् मनीषिणः। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है। मन लगाम है तथा इंद्रिया घोड़े है। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है, ऐसा बड़े बड़े चिंतकों का कहना है। यद्यपि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल तथा हठी है कि इसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार की अच्छी से अच्छी दवा द्वारा कभी कभी रोग वश में नहीं हो पाता, ऐसे प्रबल मन को योगाभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है, किंतु ऐसा अभ्यास कर पाना अर्जुन जैसे संसारी व्यक्ति के लिए कभी भी व्यवहारिक नहीं होता। तो फिर आधुनिक मनुष्य के संबंध में क्या कहा जाए? यहाँ पर उपयुक्त उपमा अत्यंत उपयुक्त है। झंझावात को रोक पाना कठिन होता है और उच्छृंखल मन को रोक पाना तो और भी कठिन है। मन को वश में रखने का सरलतम उपाय जिसे भगवान श्री चैतन्य ने सुझाया, यह है कि समस्त धर्मता के साथ मोक्ष के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया जाए। विधि यह है, सरल कृष्ण पदार्थ। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को पूर्णतया श्री कृष्ण में लगाए, तभी मन को विचलित करने के लिए अन्य व्यवस्थाएं अन्य व्यस्तताएं शेष नहीं रह जाएगी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वप्रदान्तिकं वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सर्वजातं सर्वदा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सेवनालिता शीर्षमान्तश्च हे कृष्ण करुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते जनगौरांगी शिराधे वृंदावनेश्वरी विषवाणु सुतैली परमानी हरि प्रिय वाचा कल्प तरुणश्च कृपाबिन्दुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री गोपाल की जय। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायो रिव सुदुष्करम। सो हे श्री कृष्ण, चूंकि मन चंचल अस्थिर उच्छृंखल हटीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। So, इस श्लोक में भी अर्जुन अपने मन की समस्याओं में केंद्रित है ना। मेरे को इस श्लोक में भी अर्जुन को अपनी समस्याएं बड़ी प्रबल लग रही है, बड़ी कठिन लग रही है समस्या। कौन सी समस्या? ओ मन वाली। मन की जो समस्या है इस श्लोक में भी कंटिन्यू है, बड़ी प्रबल लग रही है अर्जुन को। So, इस श्लोक में भी अर्जुन एक बात कह रहे हैं, वो कृष्ण को बड़ी एकदम नम्र भाव से कृष्ण को कह रहे हैं कि हे कृष्ण क्या करूं, ये मन नहीं मानता। हाँ, क्या बोल रहे हैं, मैं क्या करूं, ये मन नहीं मानता। आप कुछ भी बोलो, सोला माला जप करो, अमुक करो, तमुक करो, मंदिर में आओ, ऐसा करो, वैसा करो, सब सही है, पर क्या करूं, ये मन नहीं मानता। ऐसे ही अर्जुन कृष्ण को कह रहे कि ये कृष्ण ये मन नहीं मानता। सो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को इस श्लोक में उदाहरण के साथ बताया है कि कैसे मैं अपने मन को नियंत्रित नहीं रख सकता। एग्जाम्पल के साथ बताया है कि कैसे मन को नियंत्रित करना उनके लिए लगभग असंभव है। ऐसे इस श्लोक में फिर अर्जुन कहते हैं, इस श्लोक में और अर्जुन ने अपने मन की कुछ चार पांच समस्याएं प्रकट की है, पांच लगभग पांच समस्याएं अर्जुन ने इस श्लोक में प्रकट की है। जो समस्याएं मन की है बड़ी गंभीर समस्या है, बड़ी गंभीर समस्या है। सो अर्जुन क्या कहना चाहते हैं, ये चार पांच प्रकार की समस्याओं को भगवान के सामने प्रकट करने का
अर्जुन का तात्पर्य क्या है, अर्जुन क्या कहना चाहते हैं इन समस्याओं को रख कर। अर्जुन ये कहना चाहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं फिलोसॉफी करूंगा, मैं कन्विंस हो रहा हूं, तात्विक दृष्टिया मैं कन्विंस हूं, बच्चों को पीछे क्यों, तात्विक दृष्टिया तत्व के दृष्टि से फिलोसॉफिकली, फिलोसॉफिकली क्या, मैं कन्विंस हूं, आई एम एवरीथिंग, आई एम कन्विंस, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, आपने अभी तक जो भी बोला सब, मन क्या है वगैरह वगैरह एवरीथिंग सब, मैं कन्विंस हूं फिलोसॉफिकली, प्रॉब्लम मेरा साइकोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकली मेरे को मन को नियंत्रित करना आसान हो जाता है, साइकोलॉजिकली कन्विंस्ड हूं, वो प्रॉब्लम है, समस्या हमारा ऐसे ही है। आज तक जो भी बोला गया भगवत गीता में आपको सब समझ में तो आया है ना, ऐसा कौन सा मैंने संस्कृत में बोला, मैं तो हिंदी में बोल रहा हूँ, भगवान के शब्द जो प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट किया ऐसे ही मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, तो हिंदी में तो है नहीं समझने, फिर तो समझ गई, तो प्रॉब्लम क्या है, फिर तो समझ गए, मैं शरीर में मैं आत्मा हूँ, बराबर है, आत्मा मरता नहीं है शरीर का अंत है, बराबर है, ऐसे समझ में आ गया ना, फिर तो समझ गए, साइकोलॉजी क्या क्या बात होते हैं, कहाँ बॉडी जाएगी साइकोलॉजी, मन नियंत्रित नहीं हो रहा है, मन कंट्रोल नहीं हो रहा है, दैट इज द प्रॉब्लम, फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग हो गई, फिलोसॉफिकल कन्विंस हो गया, परंतु साइकोलॉजिकली आई हैव अ प्रॉब्लम, है कि नहीं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का अर्थ क्या होता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का अर्थ है मन नहीं मानता, हे कृष्ण मैं क्या करूं, मेरा मन नहीं मानता, कि नहीं, दैट इज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और कृष्ण संसार के सबसे बड़े साइकियाट्रिस्ट है, वो सब जानते हैं कि कैसे ऐसे साइकोलॉजी का उत्तर कैसे दिया जाता है, तो कृष्ण बड़े उत्तर देंगे आगे, अभी तो प्रश्न ही चल रहा है। एक्चुअली अर्जुन जो कह रहे हैं वो हमारे लिए कह रहे हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा, अर्जुन तो बड़े विद्वान है, पराक्रमी है, कृष्ण के मित्र है, सो पहली पंक्ति में कहा गया है चंचलम ही मन कृष्ण, हे कृष्ण मन चंचल है, कहता है मन किसका चंचल नहीं है, सब का मन चंचल है, हे कृष्ण मन चंचल है, चंचल ही मना कृष्ण, सो मानो अर्जुन इस श्लोक में यह बोलना चाहते हैं कि हे कृष्ण मोबाइल साइलेंट करो, सो चंचलम ही मना कृष्ण, इससे मानो अर्जुन कृष्ण को यह बोलना चाहते हैं अति से नम्र भाव से कि हे कृष्ण मन बहुत चंचल है, यहां वहां दौड़ता है, कभी यहां जाता है कभी वहां जाता है, बंदर भी देखा, बंदर कभी भी एक जगह स्थिर नहीं बैठ सकता, बैठ सकता है नहीं बैठ सकता है, तो मन बंदर के देता ही है, यहां वहां जाता है, लेकिन कृष्ण मेरे लिए तो बहुत ही असंभव है उसको कंट्रोल करना, सो कृष्ण मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि क्या करिए, आप ही मेरे मन को खींच कर लाइए और आप ही मेरे मन को आप अपने आप में लगा लीजिए, मानो अर्जुन ये कहना चाह रहे हैं कि कृष्ण मेरे मन को मैं खींच कर नहीं ला सकता हूं, तो हे कृष्ण आप क्या करो, क्या करो, आप ही मेरे मन को खींचो और आप ही मेरे मन को आपके चरणों पे लगा दो, मेरे लिए तो असंभव है, बहुत चंचल है, मेरे लिए असंभव है, आप ही जब करो, ऐसे अर्जुन का भाव और बोलने का कि कृष्ण आप ही सब करो, आप ही खींचो, आप ही लगा दो,
आपके चरणों में है। सो अर्जुन कहते हैं जब आप ऐसा करोगे तभी मन आपके चरणों में लग सकता है, मेरे करने से नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे लिए तो असंभव है, मैं क्या करूंगा। परंतु आप इनको एक बार खींचोगे, आप स्वयं एक बार गए खींचे, आप स्वयं ही अपने चरणों में लगा दोगे, तो फिर वो नहीं जाएगा, वो पुनः पुनः वो भटकेगा नहीं। और मैं तो एक बार भी नहीं खींच सकता उसको। इस प्रकार से अर्जुन कृष्ण को बोलना चाह रहे, मुझे भी इसको वश में करना बहुत असंभव है। क्योंकि असंभव है क्योंकि बहुत चंचल है, बहुत चंचल है, मन की चंचलता इतनी जबरदस्त होती है। कई बार हम देखते हैं कि हम सोचते कि भाई चलो दिन भर अब सब हो गया, अभी रात को अपने बिस्तर पे जाके मैं सो जाऊंगा, मन शांत हो जाएगा, लेकिन फिर भी मन हमको स्वप्न दिखाते रहता है, नींद में भी स्वप्न नहीं देता है, नींद में भी स्थिर नहीं होता है, स्वप्न के माध्यम से चंचल भी होता है। सो इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि आप ये सब करो तो अच्छा है कृष्ण, सब आप ही करो, मैं क्या ही करूं, क्या ही करने से मेरा होने वाला कल्याण, मेरे को कुछ नहीं होने वाला। सो हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कृष्ण, आप ही मेरे मन को खींच के लाओ और आप ही मेरे मन को अपने चरणों में लगाओ, मेरे से नहीं हो पाएगा। अर्जुन क्या बोल रहे, मेरे से नहीं हो पाएगा। ये वायु को मैं अपने मुट्ठी में से पकड़ सकता हूं, क्या बोलते हैं अर्जुन, ये बड़े की वायु है इसको मैं अपने ऐसे मुट्ठी में पकड़ लूंगा, बलिष्ठ है वायु वेदवान, उसके वेग को उसके बल को मैं अपने मुट्ठी में ऐसे पकड़ लूंगा और मेरे मन को नहीं पकड़ सकता, वायु को पकड़ लूंगा मेरे मन को नहीं पकड़ सकता। इसलिए कृष्ण आप ही मेरे मन को खींचिए और आप ही मेरे मन को आपके ही चरणों में लगा दीजिए, यह मेरा नम्र निवेदन है, और तभी हो पाएगा। श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस विषय को बहुत अच्छे से समझाते हैं। प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है वो रथ का एक्सप्लेनेशन भगवद गीता में जो रथ है मुख्य पृष्ठ पे भगवदगीता का रथ दिखता है, उस रथ को कठोपनिषद का श्लोक एक्सप्लेन करते प्रभुपाद जी समझाते हैं कि कैसे मन इंद्रिया में है, पांच जो रथ को घोड़े जुटे हुए हैं वो क्या है, वो इंद्रिया स्वरूप है, जो लगाम है वो क्या है, मन है, सारथी वो कौन है, बुद्धि है, और जो स्वामी बैठे हुए है वो कौन है, आत्मा है, वो आत्मा है। सो जी तात्पर्य में कहते हैं कई बार तो ऐसा होता है कि जो सारथी है ना वो सारथी भी लगाम के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता है, बोलो ऐसा हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बुद्धि जो है वो मन के ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाती है, वो सारथी को इतनी शक्ति नहीं होती कि लगाम को खींचे, लगाम को खींचने की पावर सारथी में नहीं होती है, अर्थात बुद्धि में मन को कंट्रोल करने की शक्ति नहीं होती है, तब मन अस्ताव्यस्त हो जाता है। मन क्या हो जाता है, अस्ताव्यस्त, जब मन अस्ताव्यस्त हो जाता है, लूज हो जाता है, तब क्या होता है, जो घोड़े जोते हुए है घोड़ों को तो फिगर मिल जाता है, तो वो क्या करते हैं, पांच घोड़े और पांच डायरेक्शन में देख रहे हैं, उधर खींच रहे तो उधर खोच रहे हैं, पंचेंद्रिय पांच इंद्रिय कान नाक वगैरह स्पर्श त्वचा स्पर्श ये सब जो है जीवा, तो ये पाठ्य का जो दृष्टि जो दृष्टि है जो मार्ग हमको दिखता है पाठ्य के मार्ग क्या है, आप
देख सकती सुन नहीं सकती तो आंख केवल देखने का काम करेगी, कान देख नहीं सकती सुन सकती है तो केवल सुनने का काम करेगी। तो आंख की देखने की दिशा है, कान की सुनने की दिशा है, तो ऐसे है पंचेंद्रियों की अपनी अपनी भिन्न भिन्न दिशा है और इन पंचेंद्रियों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो दिन रात इन इंद्रिया हमको क्या करेगी, परेशान। कभी आंख परेशान कभी करे, कान परेशान करेगा, कभी आंख बोलेगी मुझे तो बहुत बढ़िया सुंदर सिनेमा देखना है रात को, एक बजे। कान बोलेगी मुझे तो डिस्को सुनना है। ऐसे भिन्न भिन्न इंद्रिया भिन्न भिन्न दिमाग करोगे, सबका दिमाग सप्लाई करना पड़ेगा, सबका डिमांड सप्लाई करते 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 आदमी का 50% भोजन घट जाएगा। कितना डिमांड सप्लाई करेगा, कितना मन का, कितना इंद्रियों का तृप्ति करने का प्रयास करेगा, कब तक करेगा? अचानक एक दिन उठ के खड़ा होगा, अभी तो 70 साल का होंगे, अभी भी इंद्रिया तृप्त नहीं है, अभी भी दौड़ा नहीं है, अभी भी इंद्रिया दौड़ ही नहीं है। और फिर एक दिन क्या होता है, ये व्रत खाई में जाके गिर जाता है, क्योंकि घोड़े नियंत्रित नहीं रहेंगे तो दिशा निर्देश हमारा जो पद है वो पद क्या हो जाएगा, व्रत से हम विचलित हो जाएंगे, हमारे गंतव्य के स्थान पर व्रत हमारा नहीं पहुंचेगा, बीच में खाई में गिर जाएगा। ऐसा एक्सप्लेनेशन गोपाल जी करते हैं तात्पर्य में। सो चंचल जो पांच समस्याएं अर्जुन ने बताई, इसमें से पहली समस्या इसमें की बताई कि मन क्या है, चंचल है, मन बहुत चंचल है। मन चंचल होने के कारण इंद्रियां भी अस्ताव्यस्त हो जाती है। दूसरी समस्या अर्जुन बता रहे कृष्ण को मन की, प्रमति, प्रमति अर्थात क्षुब्ध करने वाला, शुद्ध करने वाला। जैसे उदाहरण श्रीमद् भागवत में आता है अजामिल का, अजामिल ने एक स्त्री और पुरुष को देख लिया, भोज शास्त्र पढ़ा था अजामिल, ब्राह्मण पतांग पंडित था, वेद शास्त्र संपन्न नॉलेज ज्ञान था इधर, परंतु क्या हुआ, परंतु एक स्त्री और पुरुष को देख लिया अजामिल ने, तो क्या हुआ, प्रमति, वो क्या हो गया, क्षुब्ध करने वाला। अर्थात मन क्या हो गया, सारे जितने शास्त्रों को उसने पढ़ रखा था वो सारे शास्त्र की पढ़ाई कुछ काम में नहीं है, कोई शास्त्र की पढ़ाई काम में नहीं। मन को नियंत्रित करने का प्रयास किया, परंतु जितना उसने मन को नियंत्रित करने का प्रयास किया उतना ज्यादा उसका मन क्षुब्ध हो गया, आवेग में आ गया। प्रमति, दूसरी समस्या क्या, दूसरी समस्या मन क्षुब्ध हो जाता है। प्रमति, शास्त्र का अध्ययन भी किया होगा तब भी जितना मन को रोकने का प्रयास करेंगे उतना डबल स्पीड से वो शुद्ध हो जाता है। अगर प्रकांड पंडित होते हुए शास्त्र को पढ़कर रखा था, शास्त्र को पढ़ाई होते थे फिर भी अजामिल अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाया, अपितु मन डबल स्पीड से क्षुब्ध हो गया है ना? तो अर्जुन यहां पर क्या कह रहे हैं, तो अर्जुन यहां पर कह रहे हैं कृष्ण जीव का जो मन है, साधारण जीवों का जो मन है यदि काम से प्रभावित हो जाता है, हमारे सर जनरल पब्लिक की बात कर रहे हैं अर्जुन, कि जनरली जब मन काम से प्रभावित हो जाता है तो यह मन शास्त्र के उपदेशों पे, शास्त्र की बातों पे ध्यान नहीं देता है, बताया गया नहीं देता है,
शास्त्र की बातों पे ध्यान नहीं देता, शास्त्र के उपदेशों पे ध्यान नहीं देता है। जब मन क्या कहा गया है, जब यह मन काम से प्रभावित हो जाता है, जब मन काम से प्रभावित हो जाता है तो शास्त्र के उपदेशों पे ध्यान नहीं देता है। तथा जितना अधिक इस मन को समझाया जाता है उतना ज्यादा अधिक क्षुब्ध होते जाता है, जीव को और शुद्ध करता है, व्यक्ति को और शुद्ध करता है। सो पूर्व में हमने देखा है काम, अगर कामना है या काम, ये कहाँ रहता है, काम इंद्रियों में रहता है ना। अभी पूर्व में देखा था इनका स्थान रेसिडेंस क्या है, काम का रेसिडेंस क्या है, इंद्रिया है, मन है, विषय है ना, इंद्रिया मन है, बुद्धि है, विषय है। सो 2060 दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में हमने क्या देखा था, ये तो कौंतेय विकसितः इंद्रियाणि प्रमादीनि, यही शब्द है प्रमादी, इंद्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति, सबसे महत्व की बात है, हरन्ति प्रसभं मनः, इंद्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, भगवान कहते हैं 2060, हे अर्जुन, इंद्रिया इतनी प्रबल तथा वेगवान होती है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक क्या लेती है, हरंती, हर लेती है। कोई विद्वान व्यक्ति होगा, विद्वान व्यक्ति के मन को भी इंद्रिया हर लेती है, इतनी बलशाली और वेगवान होती है, इतना पावर होता है। तो हमारी रात की क्या बात है, इंद्रिया इतनी बलशाली होती। वास्तव में ये जो कामना या काम है, ये संस्कार के रूप में हमारे अंदर ही रहता है, ग्रंथियों में रहता है। पूर्व जन्म से, अनेकों जन्म से जो संस्कार है, काम रूपी संस्कार, वो प्रत्येक जन्म में हमारे ऊपर अंदर बैठे हुए सुप्त अवस्था में, और कहा बैठे हमारे अंदर, सारे ग्रंथियों में बैठे हुए हैं, सारे संस्कार ग्रंथियों में बैठे हुए हैं। सो इंद्रिया मन बुद्धि या विषय, हमारे इंद्रिया, हमारा मन, हमारे बुद्धि या कोई विषय, ये क्या करते हैं, ये स्वयं काम नहीं है, इनके द्वारा काम प्रतीत होता है। काम तो हमारे अंदर है, काम तो हमारे अंदर ग्रंथियों में, विषय में नहीं है, इंद्रियों में नहीं है, मन में भी नहीं है, तो ग्रंथियों में है, परंतु वो काम प्रतीत कहां होता है, एक्सपीरियंस कहां होता है, काम मन में, पहले मन में, फिर इंद्रियों में, फिर विषय है ना, बुद्धि में। सो अल्टीमेटली हमारे अंदर का जो काम है उससे हमको निवृत्त होना है कि नहीं होना है, उससे निवृत्त होना है। जब तक हम इससे निवृत्त नहीं होते तब तक ये काम को हमारे इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते रहते हैं, विषयों के द्वारा अनुभव करते रहते हैं, मन के द्वारा अनुभव करते रहते हैं, बुद्धि के द्वारा अनुभव करते रहते हैं, और इसके कारण हमारे मन बुद्धि सब चंचल रहते हैं, सब चंचल रहते हैं। सो अब ये जो कामनाएं है, ये जो काम है, ये रहने के कारण, ये कामनाएं होने के कारण क्या होता है, ये जो मटेरियल है, ये जो पदार्थ है, मटेरियल है, इनके प्रति हमारा जबरदस्त खिंचाव रहता है, वो दरवाजा बंद कर देते, जबरदस्त खिंचाव रहता है, क्या रहता है, कामनाओं के कारण, काम के कारण मटेरियल के प्रति, पदार्थों के प्रति क्या रहता है हमारा, और कैसा रहता है खिंचाव, बहुत गाढ़ा रहता है एकदम। आप सप्ताह में एक घंटे के लिए मोबाइल ले लिया, तो मैंने कहा नेक्स्ट शनिवार से आपको बाहर मोबाइल जमा करना पड़ेगा, यू आर नॉट अलाउड टू ब्रिंग योर मोबाइल फ्रॉम नेक्स्ट सैटरडे, कोई नहीं आएगा क्लास में,
कोई नहीं आएगा क्योंकि यहां जो कहा गया है पदार्थ होते कि गाढ़ा खिंचाव जबरदस्त अटैचमेंट पदार्थों के प्रति ट्रिमेंडस। सो ये क्यों है कि कुछ कामनाएं हमारे अंदर बहुत सारी कामनाएं होती है, कामनाओं के कारण मटेरियल के प्रति जबरदस्त खिंचाव है, प्रचंड फ्लो है। सो इसलिए तीसरी समस्या फिर अर्जुन बताए, अभी तक कौन सी समस्या बताई? पहली बार की समस्या चंचल मन चंचल है, दूसरी बार की समस्या मन प्रगति तीसरी कौन सी समस्या बोली बलवान बलवत, तीसरा शब्द क्या है बलवान, ये भी समस्या है। पहली समस्या है कि भाई मेरा मन जो है वो बहुत चंचल है, दूसरी समस्या है कि बड़ा क्षुब्ध कर देता है जीव को, हमेशा क्षुब्ध करता देता है, ये दूसरी समस्या है। तीसरी समस्या है मेरा मन बड़ा बलशाली है, भयंकर बलिष्ठ है, बलशाली मन बलवान है। क्यों कैसे बलवान हो जाता है वो? क्योंकि वो वस्तुओं के प्रति इतना गाढ़ा खिंचाव, इतना गाढ़ा खिंचाव, इतना पावरफुल अट्रैक्शन है कि वो एक शक्ति बन जाती है, और वो जो शक्ति बन जाती है, वो जो पावरफुल खिंचाव है, वो जो अट्रैक्शन है, वो कौन सी शक्ति बन जाती है? वो ऐसी शक्ति बन जाती है जिससे मन हटीला हो जाता है, हट हटवाली बन जाता है, हटिया समझ गया ना, हट करता है। आप कितना भी समझाओ कि भाई जीवन में शिस्त होना, अनुशासन होना बहुत आवश्यक है, मन होता है बिल्कुल आवश्यक नहीं है, मैं एकदम कंफर्ट हूं। जीव को भाई कहता है कि बाबा तुम कैसे जैविक झंझट में पड़ा हुआ, मस्त तो कभी भी सो कभी भी उठो कभी भी खाओ कुछ भी करो, और इस बात पे हर पकड़ के बैठता है, 50 साल निकल जाते हैं फिर भी आज व्यक्ति जो है वो अनुशासित जीवन को नहीं बना पाता। मैं कई बार बोला छोटी सी चीज छोड़ने के लिए बोले जाते तो नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता। क्यों क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि मन कहता है बलवान है, और बलवान होने के कारण वो क्या हो गया, हटीला हो गया, बलवान है भाई, बलिष्ठ है, बलवान व्यक्ति कहीं चलेगा ना तो वो हटीला बन जाता है, भाई बलवीर का वही खाएगा, उनको कहो भाई हरिमान का दर्शन करो मंदिर में आओ फेस्टिवल में सेवा करो, बोलते नहीं हम तो बोले भी सब अच्छे हैं, हमको सब पता है, हम पहले भी सब अच्छे मन चंगा तो कटौती में, और हमारा मन चंगा ही है ऐसा सभी सही सभी भाई। तो इस प्रकार से मन बलवत है, बलवत मन क्या करता है हटीला बन जाता है, और हटीला मन किसी भी प्रकार के उच्च कोटि के परिवर्तन के लिए तैयार नहीं रहता है, परिवर्तन नहीं चाहता है, अपग्रेडेशन नहीं चाहता है, हठीला मन हमको डिग्रेड नहीं करेगा, हठीला मन हमको अपग्रेड नहीं कर सकता, डिग्रेड नहीं करेगा। सो जिस समय मन काम के वेग से बलवान होता है, कौन सी शक्ति से बलवान होता है मन? एक बार ध्यान रखना, मन बलवान कौन सी शक्ति से होता है? काम की शक्ति से। जिस समय मन काम की शक्ति से, काम की वेग से बलवान हो जाता है, उस समय व्यक्ति अपनी शक्ति तथा बुद्धि से भी मन को वश में नहीं कर सकता। जब कामनाओं का वेग तूफान रहता है, प्रचंड वेग रहता है, और प्रचंड कामनाओं के वेग से मन जब बलवान हो जाता है,
तो ऐसा बलवान मन चाहे आप पूरी शक्ति लगाओ, कितना भी विटामिन खाओ, कितना भी मेडिटेशन करो, कुछ भी करो, वो मन क्या करता है, कंट्रोल में नहीं रहता, मन नियंत्रित नहीं रहता, उसको हम वश में नहीं कर पाते। इसका अर्थ यही है कि मन बड़ा बलवान है जो कि नित्य जीव को विषयों में लगाए रखता है। मन इतना बलवान है कि हमको वो मन नित्य विषयों में लगाए रखता है कि नहीं रखता है ना। कभी विषय रहता है पॉलिटिक्स, कभी विषय रहता है क्रिकेट, कभी विषय रखता है कोई सिनेमा, कभी विषय रखता है धन, कभी विषय रखता है सेल्फ एप्रिसिएशन, कितने विषय है। और वो मन क्या करता है, एक विषय समाप्त भी नहीं होता है तो तुरंत दूसरा विषय प्रकट होता है, वो समय याद नहीं रखता है, कुछ बीच में रेस्ट नहीं करता है, वो कोई याद नहीं करता है, वो क्या करता है नित्य हमको क्या करता है, पुरुषते रहता है विषयों को, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, कुछ भी नहीं तो चिंता टेंशन, क्या भी चिंता है मर गया तो अभी अचानक मृत्यु की चिंता है कहीं से कुछ सुन लिया मृत्यु का भाई, अरे सो ओवर थिंकिंग करवाता है, भयभीत करवाता है, क्या नहीं करवाता है मन, और कितने विषय मन के पास है आप तूफान अनगिनत विषय है मन के पास, और वो क्या करते रहते हैं जबरदस्ती, जबरदस्ती कोई भी हमारी इच्छा भी नहीं रहती कई बार, लेकिन जबरदस्ती हमको विषयों में उलझा देता है, जबरदस्ती एकदम अच्छे से रिलैक्स हो रहे थे, ठीक था, स्टेबल लग रहा था, बस एक फोन आ गया, पड़ोसी ने हम करो काम किया अरे होता मन में दंगा हो गया। सो इस प्रकार से मन क्या करता है, हमको विषयों को परोसते रहता है। और शास्त्र क्या कहते हैं, इसमें शास्त्र कहते हैं मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षयम्, मनुष्य का बंधन और मोक्ष दोनों का कारण कौन है, मन है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षयम्, तो मन ही तो सब कुछ है, मन ही तो बंधन में डाल देता है, मन ही तो मोक्ष प्रदान करता है, मन ही तो भक्ति में लगा सकता है, मन ही तो डिग्रेड कर सकता है, मन ही तो अपग्रेड कर सकता है, मन ही तो टॉर्चर कर सकता है, मन ही तो कंफर्ट दे सकता है, मन ही हमको फेल करवा सकता है, मन ही हमको सक्सेसफुल बना सकता है। सो मन एवं मनुष्य नाम कारण मतलब मोक्ष, बंधन में डाल सकता है, मुक्त भी कर सकता है, ऐसा ये प्रचंड मन इतना बलिष्ठ है। कहने का तात्पर्य क्या है, इतना बलवान है, समस्या है मन बलवान है, समस्या है मन स्थिर चाहिए, बलवान नहीं चाहिए। तीसरी समस्या है, कौन सी समस्या है, पहली समस्या मन कहता है चंचल है, दूसरा क्या है क्षुब्ध कर देता है, तीसरा क्या है बलवान, ये तीनों क्या है समस्या है, तीनों क्या है। अब चौथी समस्या क्या है, हड्डीला है, दृढ़ अर्थात क्या हड्डी है, बहुत हड्डी है, मन है कि मानता ही नहीं मानता ही नहीं, कितना भी करो मानता ही नहीं, 4 बजे उठो, दिन भर मंदिर में जाओ, भागवतम सुनो, सार करो, संगत करो, फिर भी मानता ही नहीं, मन है कि नहीं मानता। अर्जुन की एक तो समस्या कंटाल के रूप जा गया, अर्जुन परेशान हो गया, इसलिए एकदम गलित राष्ट्र होकर एकदम नम्र भाव से हाथ जोड़ कर कृष्ण को कह रहे, कृष्ण आपने मेरे को इतने सारे उपदेश दिए, मैंने सब सुन लिए कृष्ण, परंतु आप मुझे सब कुछ करने के लिए बोल रहे,
और स्पेशली वो काम करने के लिए बोल रहे हैं, मन को खींच के लाने के लिए बोल रहे हैं, कृष्ण मेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसा करो कृष्ण आप ही खींचो मेरे मन को और आप ही अपने चरणों पे मेरे मुख पर लगा दो, मेरे से नहीं हो पाएगा, इतनी समस्या है, ऐसे अर्जुन बोल रहे हैं। सो इसलिए अर्जुन जानते हैं कि मन कितना हठीला होता है, कितना हठीला होता है, मानता ही नहीं है। कोई कोई लोग बोलते हैं जरा भी अपने मेंटल फ्रेम के ऊपर वर्क नहीं करते और 1% भी अपने मन को दुखी करना नहीं चाहते, कितना 1%, अरे नहीं मन को क्यों मारने का, मन को, अरे मन को कौन मार सकता है, क्या हिम्मत थी मन को मारोगे, नहीं मार सकते क्योंकि अर्जुन बोल रहे भगवान है बलिष्ठ है, वायु को रोक सकता हूं मन को नियंत्रित नहीं कर सकता हूं, इतना बलवान है। भगवान बोलते हैं क्या मन को मारने का, जो मन बोलता है वैसा करो, मन को क्या मारने का, मानते ही नहीं है, इतना हठीला बना देता है मन उनको, उनका मन इतना हठीला बन जाता है। अर्जुन बेचारे कह रहे हैं कि कृष्ण ये मन को क्या करूं मैं कितना भी इसको हटा दो हटाने पर भी नहीं हटता है, मैं इसको हटाने का प्रयास बहुत करता है हटाने पर भी नहीं हटता है, ऐसा है मन, हम सबका ऐसे ही लगो है, मानता ही नहीं है, हटाने भी कोई विषय को लेकर बैठता है तो मानता ही नहीं, डर भी जाता है, हट बैठ गया विषय को लेकर, ऐसा भयंकर है। सो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह इतना हटी है, यह मन इतना हटी है कि इसे बुद्धि भी नहीं जीत पाती, इसको अर्थात बुद्धि भी इसको नियंत्रित नहीं कर पाती, इतना हटी है, भयंकर है। मैंने पूर्व में इसका उदाहरण दिया था, जैसे नदी में जल का प्रवाह रहता है, तो जब नदी में जल का प्रवाह है दोनों किनारे है, दोनों किनारों पे बहुत बड़ी ऐसी हरी भरी भूमि है, क्योंकि नदी में जल बह रहा है तो आसपास की जो भी भूमि है वो कैसी हो गई, धन धान्य से हरी भरी हो गई है, क्यों, क्योंकि नदी के जो दोनों किनारे है वो नदी के जल के प्रवाह को क्या कर रहे हैं, नियंत्रित कर रहे हैं, तो वो जल क्या कर रहा है, पूरा हरियाली हरियाली हो गई है, तो मान लो किनारे ध्वस्त हो गए, वो नदी के जो किनारे है दोनों तट जो है मान लो ध्वस्त हो गए, तो क्या होगा, वही जल वही नदी का जल उसी समृद्धि को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, उसी समृद्धि को उसी के कारण वो समृद्ध रूप होगी, परंतु यदि वो तट टूट गया किनारे टूट गए बुद्धि चल रहा है तो होगा क्या, विचारों का जो प्रवाह है बुद्धि मान लो फेल हो गई, बुद्धि काम नहीं कर रही है तो होगा क्या, बुद्धि जब तक काम करते तब तक मन को नियंत्रित रखती है, मन में विचार आते हैं परंतु बुद्धि क्या करती है, कई विचारों को हजारों विचारों को डिलीट कर देती है, जितने आवश्यक है उतने ही विचारों का प्रवाह चलते रहता है, जैसे नदी के जल का प्रवाह चलता है, परंतु यदि किनारे ही दुर्बल हो गए, बुद्धि ही दुर्बल हो गई, या दूसरे रूप में जल का प्रवाह ही इतना बढ़ गया डेली डेली बढ़ते जा रहे, रोज करोड़ों विचार आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग जिसको कहते हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे, तो अब जल का प्रवाह इतना हो गया कि किनारे दुर्बल हो गए, अब किनारे जो तट था जो मजबूती थी उसकी वो मजबूती क्षीण हो गई और धीरे 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 क्या हो रहा, पानी वो जल जो है नदी का वो अंदर आने लगा है, और वो जो विचार है वो धीरे धीरे वो विचार हमारे इंद्रियों में हमारे पूरे पर्सनालिटी में यहां वहां जगह ढूंढ कर बैठ रहे हैं,
अफेक्ट कर रहे हमारे पर्सनालिटी को। और फिर होता क्या है, एक समय ऐसा आता है कि पूरा ही तट पूरे किनारे ध्वस्त हो जाते हैं और पूरा जल ही जल जल मय सारी समृद्धि समाप्त हो जाती है, सारी समृद्धि खत्म हो जाती है। ऐसे ही जब टू मच थॉट्स, इतने सारे विचार, इतनी सारी कामनाएं, इतना सारा बल उन कामनाओं का, मन बलिष्ठ हो गया, इतना बलिष्ठ हो गया कि करोड़ों विचार रोज के लाखों विचार आ रहे हैं और फिर क्या हो जाएगा, बुद्धि बांध टूट जाएगा और फिर क्या होगा, पर्सनालिटी डिसऑर्डर होगा, व्यक्तित्व जो है मनुष्य का वो क्या हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। सो यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि जो मन इतना हटी हो जाता है, इतना हटी हो जाता है कि बुद्धि काम नहीं करती। प्रभुपाद जी बोल रहे बुद्धि भी मन को जीत नहीं पाती, बुद्धि भी मन को नियंत्रित नहीं रख पाती। सो ये हो गई चौथी समस्या कि हटीला है बहुत मन। पांचवी समस्या बोले फिर अर्जुन दूसरी पंक्ति, तस्य अहम निग्रहम मन्ने वाले सुदुष्करम। जैसा कि कहा कि हे कृष्ण, ये जो वायु है ना, इस वायु को ऐसे मैं अपने मुट्ठी में पूरे वायु को कंट्रोल कर सकता हूं, पकड़ के रख सकता हूं संपूर्ण संसार के वायु को, और क्या, और मैं मन्ने वायु इव सुदुष्करम, मैं वायु को पकड़ सकता हूं परंतु तस्य अहम निग्रहम, परंतु मैं उसको नहीं पकड़ सकता हूं, उसके वेग को, उस मन के वेग को मैं नियंत्रित नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता हूं। अब देखो अर्जुन का भाव कितना सुंदर है, अर्जुन कृष्ण को ये सब बोल रहे हैं और ये जो बोल रहे हैं, ये जो कमेंट्स अर्जुन कर रहे हैं वो अभी तक 6 अध्यायों में अर्जुन ने सुना, इतना सारा वो पूरा सुनने के बाद कमेंट कर रहे हैं। और अभी तक कृष्ण ने कितनी सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया बातें बताई, काम का वर्णन किया, जायते विषयार्थों से संगते सुख जायते, संगा संजायते काम कामार्थो जो विजायते, दूसरे अध्याय में कहा, तीसरे अध्याय में कर्मयोग का वर्णन किया, पहले अध्याय में परिस्थिति का वर्णन किया, एनालिसिस विश्लेषण किया, इतना सुंदर सुंदर सब कुछ बताने के बाद 6 अध्याय से अर्जुन बोल रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं समझा, मतलब ये तो सब अर्जुन बोल रहा है 6 बार 6 बार लगा ना आपको 6 बार के क्लास चल रही है ना अर्जुन गीता की, 6 बार के बाद मान लो हम सब लोग बोले कि कुछ भी नहीं, बहुत असंभव लग रहा है, परंतु बोलने की पद्धति कैसे होनी चाहिए। अर्जुन इस श्लोक में क्या कहते हैं, तस्य अहम निग्रहस्य मन्ने, महत्वपूर्ण शब्द है, मन्ने वायो सुदुष्करम, मन्ने मन्ने अर्थात मैं ऐसा मानता हूं। कृष्ण आपने उतना तक बोला वो तो कुछ नहीं कुछ काम का नहीं है, ऐसा नहीं बोला अर्जुन ने, अर्जुन ने बोला आपने बहुत सही बताई बातें, वो वास्तव में बहुत पावरफुल बातें, सब बहुत सुंदर बातें, बहुत अच्छी दिव्य बातें, दिव्य ज्ञान है, सब बहुत अच्छा, परंतु हे कृष्ण मैं ऐसा मानता हूं, मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे लिए नहीं, मेरी मान्यता है, मेरी मान्यता गलत भी हो सकती है, मैं ऐसा मानता हूं, मैं ऐसा मानता हूं कि ये मेरे लिए असंभव है, मन में अर्थात अर्जुन अपने आर्गुमेंट्स को कृष्ण के ऊपर थोप नहीं रहे। मैंने कृष्ण आपने इतना सब बोला, उसका बोला ठीक है ठीक है, ऐसा नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं आप सही बात मानो, ऐसा नहीं बोल रहे थे अर्जुन, थोप नहीं रहे अपने अर्जुन, वो बोले कि कृष्ण आप तो सब सही है, आपने बोला सही है, सब दिव्य ज्ञान है, परंतु मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे लिए डिफिकल्ट है ना, इस प्रकार से अर्जुन बात कर रहे हैं।
अब ऐसा मन में कहने का अर्थ क्या है और ऐसा मैं ऐसा मानता हूं यह बोलने के पीछे अर्जुन का भाव क्या है, यह बोलने के पीछे अर्जुन का ये भाव है कि हे अर्जुन हे कृष्ण मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे लिए ये सब असंभव तो है, मेरे लिए ये सब असंभव तो है परंतु आप कुछ बताओ मैं सुनू नहीं चाहता है। क्या भाव है, मेरे लिए डिफिकल्ट तो है असंभव तो है परंतु हे कृष्ण आप कुछ बताओ मैं आपका सुनना भी चाहता हूं, ये भाव है अर्जुन का है ना। सो अब ऐसा है भाई समस्या तो सबको है, मन की चंचलता, तो ये मन की चंचलता मन की अस्थिरता ये प्रॉब्लम आज का नहीं है, सतयुग में भी ये प्रॉब्लम था, त्रेतायुग में भी प्रॉब्लम था लोगों को मन चंचलता, द्वापर में तो था अर्जुन तो बोल ही रहे और कलयुग में तो अब कलयुग में क्या ही बात करें सर अनुभव है ना। सो मन की समस्या में मन बड़ा अस्थिर है, मन को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर प्रश्न भी ये आता है व्हाट इज द पर्पस, हम मन को क्यों नियंत्रित करना चाहते हैं, व्हाट इज द पर्पस टू कंट्रोल माइंड, मन को कंट्रोल करने के पीछे पर्पस क्या है, क्या पर्पस है। और रावण जो था ना वो भी मन को कंट्रोल करने के लिए 60-70 हजार वर्ष के लिए तपस्या करने में तब आऊंगा कंट्रोल, व्हाट वाज द पर्पस। हिरण्यकश्यप को भी मन शांत करने के लिए बहुत वर्षों तक तपस्या किया साधना किया और ब्रह्मदेव को प्रसन्न, व्हाट वाज द पर्पस। हम यदि मन को कंट्रोल कर यही करना चाहते हैं तो हम मन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो व्हाट इज द पर्पस। मैंने एक बार ऐसे किसी को पूछा, उन्होंने मुझे पूछा मन से रिलेटेड ऐसा, तो मैंने उनको पूछा कि भाई मन को कंट्रोल आप क्यों करना चाहते हैं, क्या क्या आपका उद्देश्य क्या है। कुछ नहीं बोले प्रभु जी थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा क्या हो जाएगा रिलैक्स हो जाएगा, दिस इज द पर्पस। व्हाट इज द पर्पस, हमारा क्या पर्पस है, हमारा क्या पर्पस है, खाई में ना गिरे, हमारा रथ शरीर रूपी रथ जीवन रूपी रथ खाई में ना गिरे तो फिर कहां जाए, तो ये हमारा पर्पस है। पर्पस क्लियर होना चाहिए, इन पर्पस में ना क्लियर, पर्पस क्लियर नहीं है तो रथ कहां जाए, पर्पस हमारा रिलैक्सेशन है, मन को कंट्रोल करना है रिलैक्सेशन के लिए, मेडिटेशन करना है रिलैक्सेशन के लिए, कोई भी करना है रिलैक्सेशन के लिए, रिलैक्सेशन होता है सेंस एंजॉयमेंट, उसके लिए भी हमको करना है तो हम कहां जाएंगे, खाई नहीं जाएंगे ना प्रभु जी, कहां जाएंगे। सो यदि इस प्रकार से हम सोचते हैं माइंड कंट्रोल के पीछे यदि कोई पर्पस नहीं है तो माइंड कंट्रोल तो कुछ समय के लिए हो जाएगा, परंतु क्योंकि पर्पस नहीं है तो फिर कुछ क्षण में तो चाहे माइंड अनकंट्रोल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुनः अनकंट्रोल हो जाएगा। मन को शांत करने के लिए, मन को नियंत्रित करने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए कोई उद्देश्य ही नहीं है, और जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिलैक्सिंग हम मन को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं तो मन नियंत्रित भी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, मेडिटेशन कर रहे हैं अमुक कर रहे हैं होगा नियंत्रित होगा, लेकिन बहुत ही थोड़े समय के लिए, बहुत ही थोड़े समय के लिए, फिर अनियंत्रित हो जाएगा, फिर अनकंट्रोल हो जाएगा, दैट इज द प्रॉब्लम अगेन। सो अब क्या करें,
अर्जुन ने कई युद्ध लड़े, अर्जुन ने वायु का जो उपमा की दिया है ना, वो अर्जुन ने अपने अनुभव किया है। अर्जुन ने कई पूर्व में युद्ध लड़े, उस समय शत्रु पक्ष को वायु अस्त्र भेज छोड़ते थे। वायु अस्त्र में क्या होता था, भयंकर वायु, वेगवान वायु आती थी और सैन्य के पूरे सैन्य को उड़ा के लेके जाते थे ऐसे भयंकर। तो ऐसे वायु अस्त्र को रोकने के लिए उसकी तोड़ अर्जुन के पास थी, तो अर्जुन क्या करते थे पता है, उसके उसको रोकने के लिए वायु अस्त्र को रोकने के लिए उसकी काट अर्जुन के पास थी, अर्जुन पर्वतास्त्र छोड़ते थे। पर्वतास्त्र का अर्थ क्या है, वो ऐसे बाण छोड़ते थे कि वो बाण से विशाल पर्वत खड़े हो जाते थे। तो जो वायु है पर्वत फैला सकती है क्या, नहीं ना। कभी देखा आपने कुछ पार हो गया, इतना इतना तूफान आया, स्टॉर्म आया और अगर पार वहां तक पूरा गायब नहीं होता है, पर्वत रोक सकती है, पर्वत रोक सकता है। तो अर्जुन क्या करते थे, पर्वतास्त्र छोड़ते थे और वायु को रोक देते थे। इसके तो अर्जुन बोले मैं वायु को रोक सकता हूं, पर्वतास्त्र छोड़ते। तो मन को कैसे कर, मन के लिए कौन सा अस्त्र है। अर्जुन कृष्ण को प्रार्थना करेंगे, कृष्ण सब आप ही करोगे, धीरे धीरे कृष्ण को कहेंगे कुछ आप ऐसा बताओ, आगे के श्लोक में कहेंगे आगे और दो चार श्लोक में कृष्ण का अर्जुन के और प्रश्न होंगे, कृष्ण के और उत्तर होंगे, दो चार पांच श्लोक में ऐसे ही चलेगा। आगे के श्लोक में कृष्ण स्वर में उत्तर देंगे, फिर अर्जुन प्रश्न पूछेंगे, फिर कृष्ण थोड़ा सा छोटा सा उत्तर देंगे, फिर अर्जुन प्रश्न पूछेंगे, फिर ये चलता रहेगा, क्वेश्चन आंसर चलता रहेगा। तो अर्जुन का तात्पर्य यह है कहने का कि अर्जुन कहना चाहते हैं हे कृष्ण, कोई इजी तरीका बताओ। हम सब उसी प्रतीक्षा में तो बैठे हैं ना, इंदिरा सर सुना कुछ सरल सरल सुंदर उपाय तो होगा कुछ, तो हमारे शास्त्र आचार्य कहते उपाय है, ये हम संक्षेप में इस क्लास में बता रहे हैं, बाकी आगे उपाय मिलेंगे और डिटेल। हमारे आचार्य बहुत आसान उपाय बताते हैं, ये जो वायु है इससे भी बलशाली मन है, तो ये साधारण पर्वत है इससे भी बड़े बड़े पर्वतास्त्र हमको छोड़ने पड़ेंगे। तो आचार्य कहते हैं हमारा जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसमें 16 नाम है, कितने 16 नाम अर्थात 16 बड़े भयंकर विशाल पर्वत, कैसे भयंकर विशाल पर्वत, इतने विशाल मानो अनेकों अनेकों ब्रह्मांड मिलाकर एक पर्वत। क्यों, क्योंकि भगवान का नाम है और भगवान ने अपने छोटे से पैरों से इतना सा छोटा सा बटू छोटा बालक होता है, वो केवल एक पैर उठा लिया तो उसके अंदर क्या है, सारे लोग इतने से छोटे से पैर में। और तो भगवान का नाम तो कहा गया है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, भगवान का नाम तो है साक्षात कृष्ण है। क्या है साक्षात कृष्ण, अभिन्न द्वार नाम नाम कोई 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 डिफरेंस नहीं है, साक्षात भगवान। भगवान का चरण भी संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त कर सकता है, तो साक्षात भगवान किसको व्याप्त करेंगे, और वो भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो आचार्य कहते हैं कि प्रत्येक नाम ऐसा भयंकर पर्वत है, इतना बड़ा विशाल पर्वत है, मानो कई ब्रह्मांड एक एक नाम में आ जाते हैं। तो ऐसे तो 16 नाम है हमारे पास, कितने नाम, 16 नाम, कौन से कौन से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, एक एक नाम भयंकर विशाल पर्वत है। इसका भी ध्यान से उच्चारण करेंगे
शांति से उच्चारण करेंगे, बैठ कर भगवान के सामने बैठ कर जप करेंगे तो मन क्या चीज है प्रभु जी? भगवान बोले कि मन बड़ा, कौन बड़ा? भगवान, भगवान बड़ा। और भगवान से बड़ा भगवान का नाम, और हम नाम लेंगे तो निश्चित तौर पे क्या होगा, मन को कंट्रोल कर सकेंगे। ये मैं संक्षेप में उत्तर दिया, अब भगवान आगे डिटेल में उत्तर दिए कैसे मन को कंट्रोल कर सकते। हमारे आचार्य प्रभुपाद जी विशेषकर हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा भी बोलते हैं, तो जो महामंत्र की महिमा है जो हमारे मन को कंट्रोल कर सकती है। महामंत्र का जो जप करेगा कुछ समय के पश्चात निश्चित ही अनेकों उसके अंदर के जो भी अनर्थ है वो रियलाइज करेगा कि कितने अनर्थ मेरे चले गए। क्यों चले गए? केवल जप करते रहे इसलिए अनर्थ चले गए, बहुत सारे अनर्थ चले गए। तो कितना मन, कितने हद तक, कितने परसेंट से मन स्थिर हो गया, मन स्थिर होते जाता है। So, इस प्रकार से इस श्लोक का इसेंस क्या है? इस श्लोक का इसेंस है, अर्जुन कहना चाहते हैं कि हे कृष्ण, अभी तक मैंने जो भी बोला उसका मुदितार्थ तो यही है कि मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। हे कृष्ण, अतः आप मुझे कोई सरल विधि बताइए, कोई सीधी साधी सरल विधि बताइए। तो आगे के श्लोक में जो हमने आज महामंत्र के विषय में बोला उसी बात को कृष्ण अति से संक्षेप में कहेंगे कि कैसे आप क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं जिससे मन को आप आसानी से वश में कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, श्री गोपाल की जय। सो किसी का कोई प्रश्न है?